इस वीडियो में दिखाई गई सभी चीज़ें काल्पनिक हैं। आज के समय में जिस गति से टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है, उसी आधार पर वीडियो में आने वाले भविष्य की एक कल्पना मात्र की गई है। 6 सितंबर 2023, हर रोज़ की तरह मैं अपना कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था, लेकिन उस दिन जो हुआ उसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकता था। मेरे सामने एक ब्लैक होल जनरेट हुआ और मैं उसमें खींचा चला गया। उसके बाद जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि मैं किसी अजीब जगह पर आ गया हूँ और दो एलियंस मुझे घूर रहे थे। मैं उन्हें देखकर डर गया और फिर से बेहोश हो गया। और जब मेरी आँख खुली तो मैंने खुद को एक लैब में पाया। मेरे सामने एक एलियन काम कर रहा था। मैंने उससे डरते हुए बात करने की कोशिश करी। मैंने उससे पूछा, क्या मैं जो बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है? क्या आपको हिंदी समझ में आ रही है? मैं डरा हुआ था और उससे बार बार पूछना चाह रहा था कि क्या मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा है। उसने कहा, हाँ मुझे हिंदी समझ में आ रही है। मैं डर गया। मैंने पूछा, पर कैसे, ये कैसे हो सकता है? उसने मुझे बताया कि देखो, ऐसा है, जब तुम बेहोश थे तब हमने तुम्हारे अंदर से जो लैंग्वेज डाटा था उसको प्रोसेस करके और हमारे सिस्टम में कॉपी कर लिया था, जिससे हम तुम्हें अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मैं घबरा गया। फिर मैंने पूछा कि मैं आखिर हूँ कहाँ, ये कौन सा सन है? उसने कहा, ये 2080 चल रहा है, जहाँ पर एलियन और मानव सभ्यता साथ में काम करती है। मैंने कहा, क्या 2080 पर ये कैसे पॉसिबल है? उसने कहा, मुझे नहीं पता, पर तुम अपने बारे में बताओ। फिर मैंने कहा, मेरा नाम रवि पंचाल है और मैं 2023 से आया हूँ। वो मुझे गौर से सुन रहा था। फिर मैंने उसे अपने बारे में बताया कि सन 2023 की टेक्नोलॉजी कैसी है, वहाँ पर कैसे है, वहाँ की मानव सभ्यता कैसी है, वहाँ पर अभी तक किस तरह से मानव रह रहा है और मानव चांद पे जाने की कोशिश कर रहा है, हमने क्या क्या अभी तक इन्वेंशन किए, सारी जानकारी मैंने उसे बताई। और मेरी बातें सुनने के बाद उसने अपना सर पकड़ लिया और मुझे कहा, दोस्त तुम जो ये टेक्नोलॉजी मुझे बता रहे हो, ये कब की ख़त्म हो चुकी है? अभी ज़माना बहुत आगे बढ़ चुका है। फिर मैंने उससे कहा कि अगर ऐसा है तो आप मुझे बताओ कि 2080 में ऐसी कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजीज आई है, मानव कितना आगे बढ़ चुका है, क्या एलियन सभ्यता और मानव ने मिलकर क्या ब्रह्मांड पर कब्जा कर लिया है, ऐसा क्या है, क्या क्या टेक्नोलॉजीज आई है, मैं ये जानना चाहता हूँ। फिर उसने कहा, ठीक है मैं तुम्हें ये सारी टेक्नोलॉजीज बताता हूँ। फिर मैंने कहा, ठीक है मुझे बताइए। और फिर हम निकल पड़े हमारी 2080 की भविष्य यात्रा पर। और मैंने जो देखा उसे मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। धरती पूरी तरह से बदल चुकी थी। यहाँ पर सब तरफ बस मशीनें और रोबोट्स दिखाई दे रहे थे। मैंने देखा कि कारें पूरी तरह से हाईटेक हो चुकी थी। सब कुछ आपकी उंगली के टच पे हो रहा था। कारों के अंदर इनबिल्ट सेगवे देखे मैंने, जिसका यूज़ करके एक इंसान एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था। हमने हीलियम 3 की खोज कर ली थी। ये एक ऐसा फ्यूल था जिसको हमने चांद से लाने में सक्सेस हासिल कर ली थी। चांद पर कई तरह के स्पेस स्टेशन और होटलें खुल चुकी थी। अब इंसान हनीमून मून पर बनाने लगा था। इंसान वर्चुअल रियलिटी से गिर चुका था। वो अपने दिमाग में होल करवा कर नैनो चिप्स लगवा रहा था, जिससे कि वो अपने दिमाग से इन मशीनों को कंट्रोल कर सके। आपके घर के पालतू जानवरों की जगह ये रोबोट्स कब के ले चुके थे, जैसा हम साइंस फिक्शन फिल्मों में देखा करते थे, उसे मैं आज अपने सामने लाइव देख रहा था। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। हमारे घर इतने हाईटेक हो चुके थे कि हमें कोई काम खुद से करने की ज़रूरत नहीं है, सारा काम ऑटोमेशन पर हो रहा था। हमारे घर में रोबोट्स सब काम कर देते थे, हमेशा खिदमत में तैयार। मोबाइल फ़ोन कब का लुप्त हो चुका था और अब ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई थी जिससे हम अपने हाथ से ही फ़ोन लगा सकते थे। बच्चों को वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से पढ़ाया जा रहा था। हर तरफ फ्लाइंग कारें दिखाई दे रही थी। अब आपको कुछ डिज़ाइन करना हो तो आप डिज़ाइन करके उसे वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से असल दुनिया में भी देख सकते थे। दुनिया बहुत बदल चुकी थी। मैं यह सब देखकर
बहुत आश्चर्य कर रहा था। क्या वाकई दुनिया इतनी आगे बढ़ चुकी है? कारें सेल्फ ड्राइव करती थी, उसके अलावा होलोग्राफिक स्क्रीन से बच्चे गेम खेलते थे। होलोग्राफिक स्क्रीन को कहीं भी शिफ्ट किया जा सकता था। ये टेक्नोलॉजी वाकई कमाल की थी। आज के ज़माने में हम इसके बारे में सिर्फ सोच ही सकते हैं, पर मैं जो देख रहा था उस पर मुझे यकीन नहीं हो रहा था। बहुत सी जगह रोबोट्स ने इंसानों की जगह भी ले ली थी, वो गेम खेल रहे थे, और इतना ही नहीं वे हमारे दोस्त बन चुके थे, हमारा बिजनेस तक वही संभाल रहे थे। मुझे ये सब देखकर बहुत आश्चर्य हो रहा था कि क्या मैं वाकई इस दुनिया में हूँ। इंसान टेलीपोर्टेशन यूज कर रहा था, जैसा कि आप अभी ओला और उबर यूज कर रहे हैं, वैसे ही इंसान 2080 में एयर टैक्सी यूज कर रहा था, जिसमें आप कहीं भी एयर टैक्सी को बुला सकते हैं और वो आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचाती थी। ये सब देखकर मुझे अपनी आंखों पर किसी भी तरह से विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या इंसान इतना आगे बढ़ गया है। मैं ये सोच रहा था कि क्या ये टेक्नोलॉजी की चरम सीमा है, या फिर टेक्नोलॉजी इससे भी आगे जा सकती है। इस सब के बाद हम फिर से लैब में पहुंचे, और लैब में पहुंचने के बाद मुझे एक चिंता सता रही थी कि मैं फिर से अपने समय में कैसे जाऊंगा। मैंने उनसे कहा कि मुझे अपने समय में वापस जाना है, मेरी कुछ मदद करिए। उन्होंने कहा, ठीक है, हमारे पास एक आइडिया है जिससे हम आपको वापस आपके समय में भेजेंगे। उन्होंने मुझे एक टाइम मशीन दिखाई और कहा कि आप इसमें जाओ, हम आपको आपके 2023 में फिर से भेजेंगे। मैंने वैसे ही किया, मैं मशीन में गया, और मशीन में जाने के बाद जैसे ही उन्होंने मशीन स्टार्ट की, मुझे ऐसा लगा कि समय रुक सा गया है और मैं समय से बहुत तेज चल रहा हूँ। जब मेरी आँख खुली तो मैंने खुद को अपने रूम में पाया, और मैं सोच रहा था क्या ये मेरे साथ वाकई हुआ है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उस दिन जो मेरे साथ हुआ उसको मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। क्या मैंने वाकई कोई समय यात्रा की थी? दोस्तों, ये सब जानने के लिए मुझे सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।